दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें अपना डीमैट अकाउंट बनाना होता है तो हमें ऑनलाइन केवाईसी करना पड़ता है और एक लाइव फोटो खींचकर अपलोड करनी पड़ती है। लेकिन कुछ सालों पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था क्योंकि सेबी को इसकी कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन फिर अचानक 2005 में एक ऐसा स्कैम सामने आया जिसने सेबी को मजबूर कर दिया डीमैट अकाउंट के लिए केवाईसी का रूल लाने के लिए। दोस्तों ये स्कैम ऐसा था जिसमें टैक्स चोरी नहीं बल्कि ज्यादा टैक्स देने की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हुआ और जांच करने पर यह पता चला कि हजारों लोगों का एड्रेस एक ही जगह पर है। उसके बाद में और ज्यादा जांच करने पर यह पता चला कि हजारों डीमैट अकाउंट्स को भी एक ही इंसान हैंडल कर रहा है। दोस्तों ये स्कैम 2005 में सामने आया था जिसे केवाईसी स्कैम के नाम से भी जाना जाता है और इस स्कैम को अंजाम दिया था अहमदाबाद के रहने वाले दीपक पांचाल ने, जिसके आपको सोशल मीडिया पे ना तो कोई फोटो मिलेगी और ना ही उससे जुड़ी कोई खास इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो दोस्तों कौन था ये दीपक पांचाल, कैसे खेला उसने सेबी के साथ ये स्कैम गेम और आखिर क्यों सेबी को केवाईसी का नियम बनाने पर मजबूर होना पड़ा, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2005 में हुए केवाईसी स्कैम के बारे में, जिसे अगर टाइम पर नहीं पकड़ा जाता तो शायद ये इंडिया के बड़े स्कैम की लिस्ट में टॉप पर आता। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्कैम की शुरुआत कैसे हुई। सो दोस्तों 2003, 2004 और 2005 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये देखा कि अहमदाबाद गुजरात के कुछ लोगों ने इन 3 सालों में बहुत ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स पे किया है, जो कि शेयर्स को बेचने के बाद प्रॉफिट होता है उस पर लगता है। और सिर्फ गुजरात से इतने लोगों का कैपिटल गेन टैक्स देखकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ शक हुआ, जिसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले तो उन लोगों को ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरीके का कोई खास रिस्पांस ना आने की वजह से आईटी डिपार्टमेंट ने तुरंत सेबी को इस बात की खबर दे दी। और ये सुनकर सेबी के कुछ ऑफिसर्स ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद में ये बात सामने आई कि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी उनमें से 21 कंपनियों के शेयर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डीमैट अकाउंट के थ्रू ऑफ मार्केट किसी और डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस स्कैम के लिए 42,000 डमी डीमैट अकाउंट बनाए गए थे, जिनमें लगभग 1 करोड़ शेयर्स ऑफ मार्केट ट्रांसफर किए गए थे, जिनकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास थी। सेबी ने यह खबर सीबीआई को दे दी और पूछताछ करने के लिए कहा। उसके बाद में सेबी ने इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड दीपक पांचाल और उसके साथ जो लोग भी मिले हुए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद में स्कैम का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया और ये पता चला कि दीपक पांचाल पेशे से एक सीए था, जिसकी वजह से उसे बैंक्स और शेयर मार्केट से जुड़ी सारी जानकारी रहती थी। सो उसे ये बात बहुत ही अच्छे से पता थी कि जब भी किसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है तो लिस्टिंग डे यानी जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है उसी दिन कंपनी के आईपीओ खरीदने से ज्यादा प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे में शेयर्स लिमिटेड होने की वजह से कुछ लिमिटेड लोगों को ही शेयर मिल पाते हैं। सो उसने ये सोचा, अगर मैं मल्टीपल अकाउंट से शेयर के लिए अप्लाई करता हूं तो आगे चलकर मुझे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस भी रहेंगे। दोस्तों उस वक्त शेयर मार्केट में केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होती थी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, बैंक के लिए केवाईसी का जो रूल था वो 2002 में ही आ गया था, लेकिन बहुत से बैंक केवाईसी के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे। सो इन सभी चीजों को देखते हुए उसने एक आइडिया ढूंढ निकाला जिससे वो लिस्टिंग डेट पर ही हजारों की संख्या में शेयर खरीद पाए। और उसके इस काम में साथ दिया उसकी वाइफ रूपल बहन पंचाल ने, जो एक फोटो स्टूडियो चलाया करती थी। सो सबसे पहले दीपक पंचाल ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छपाया और उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था कि अगर लोग अपने पासपोर्ट साइज फोटोज उनके स्टूडियो से क्लिक करवाते हैं तो उन्हें 2 फोटोग्राफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाले हैं। अब दोस्तों उस वक्त लोगों को हर लीगल काम से लेकर जॉब अप्लाई करने तक के काम में मोस्टली ऑफलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, जिसके लिए लोगों को फिजिकल फोटो की जरूरत पड़ती थी। सो लोगों को यह ऑफर काफी पसंद आया और बहुत से लोग उनके फोटो स्टूडियो पर फोटो क्लिक करवाने आने लगे। देखते देखते लोगों की संख्या हजारों में हो गई और एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को 2 फोटोग्राफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दिए गए, लेकिन लोग इस बात से अनजान थे कि उनके नाम का और उनकी फोटो का इस्तेमाल एक ऐसे स्कैम में होने वाला है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। सो दोस्तों दीपक पंचाल ने सबसे पहले ऐसे कुछ बैंक्स के बारे में पता लगाया जो केवाईसी के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे और उसको 2 बैंक मिल भी गए। सबसे पहला बैंक था भारत ओवरसीज बैंक और दूसरा बैंक था HDFC बैंक। सो दोस्तों इन बैंकों में जाकर उसने सबसे पहले तो लोगों के अलग अलग अकाउंट ओपन करवाए और उनसे कुछ लेन देन भी किए जिससे किसी को भी किसी तरीके का कोई शक ना हो। उसके बाद में उन्हीं अकाउंट के बेसिस पे उसने डीमैट अकाउंट खोले और इन सारे डीमैट अकाउंट के थ्रू वो आईपीओ में इन्वेस्ट करने लगा। 2003 से 2005 तक इन 3 सालों में कई सारे आईपीओ आए थे जिनमें वो अपने हजारों फेक डीमैट अकाउंट के थ्रू आईपीओ में इन्वेस्ट करता,
जिसके बाद में अकाउंट के अंदर अलॉटमेंट मिल जाती थी। अलॉटमेंट मिलने के बाद में दीपक पांचाल अपने 2-3 अकाउंट में उन शेयर्स को ट्रांसफर कर लेता था, उसके बाद में अपने अकाउंट से उन शेयर को बेचकर प्रॉफिट कमा लेता था। और ऐसा करते करते उसने लगभग 21 IPOs खरीदे और लगभग 41 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था। और आगे भी वो इसी काम को कर रहा था, लेकिन वक्त रहते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेबी को इस बात की भनक लग गई और 2006 में दीपक पांचाल, उसकी वाइफ रूपलबेन पांचाल और उसका साथ देने वाले 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उनसे पूछताछ करने पर यह बात पता चली कि उनके स्कैम में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और कार्वी ग्रुप की लगभग सभी कंपनीज भी मिली हुई थी। इस स्कैम में भले ही करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आम इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब आप सोच रहे होंगे आम इन्वेस्टर को नुकसान कैसे हुआ, दीपक पांचाल ने उनसे थोड़ी पैसे ठगे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी कंपनी का IPO एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लिस्टिंग डेट पर शेयर खरीदने से प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इन्वेस्टर ज्यादा होने की वजह से लिमिटेड इन्वेस्टर्स को ही उस दिन में शेयर मिल पाते हैं। पर जब करोड़ों शेयर एक ही इंसान के पास आ जाएंगे तो बाकी के लोगों को तो शेयर नहीं मिलेंगे। सो इसीलिए सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर के इस नुकसान की भरपाई करने के लिए एक रास्ता निकाला और वो ये था कि दीपक पांचाल ने जो भी फेक अकाउंट के थ्रू शेयर्स खरीदे थे वो आपके और मेरे जैसे 12,75,000 रिटेल इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और सारे फेक अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि दीपक पांचाल ने इतने सारे अकाउंट ओपन कैसे करवाए, क्योंकि अकाउंट ओपन करने के लिए कम से कम ID कार्ड की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, तो इनके पास तो सिर्फ फोटोग्राफ्स थे, तो ID कार्ड्स कहां से आए, उसका जुगाड़ कैसे हुआ। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे ये अकाउंट्स को खोला गया होगा। देखिए सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि जो बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं जो अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उनको टारगेट दिया जाता है कि महीने में आपको 50 अकाउंट ओपन करने हैं, 100 अकाउंट ओपन करने हैं। अब दोस्तों हो सकता है दीपक पांचाल को भी ऐसे कुछ एम्प्लॉयज मिल गए होंगे जिनको अपना टारगेट कंप्लीट करना होगा, तो उनकी मदद से इसने अकाउंट ओपन करवा लिए होंगे। इसके अलावा बहुत सारी बैंक क्या करती है, एक ही टाइम पे 3 अकाउंट भी ऑफर करती है, जैसे कि अगर कोई सेविंग अकाउंट ओपन करता है तो ऑटोमेटिकली उसका डीमैट अकाउंट भी ओपन हो जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाता है। तो हो सकता है दीपक पांचाल ने ऐसी कोई स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करवाया होगा। अब भी आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि ठीक है एम्प्लॉयज जो है वो अकाउंट ओपन करने में मदद कर सकता है, लेकिन बिना आइडेंटिटी कार्ड तो अकाउंट ओपन होते नहीं होंगे, तो उनके पास आईडी कार्ड कहां से आए होंगे। सो दोस्तों इसके लिए दो चीजें हो सकती है। देखिए उस टाइम पे क्या होता था कि अगर किसी को बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है लेकिन उसके पास आईडी कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो सेम बैंक में अगर किसी का अकाउंट होगा और वो गारंटर बनने के लिए तैयार है तो उसके बेसिस पे अकाउंट ओपन करवाया जा सकता था। आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ये होता था, तो हो सकता है इसी प्रकार से अकाउंट ओपन करवाए गए होंगे। इसके अलावा तीसरा कारण ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए उनको कहा गया कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में 2 फोटोज मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपना आईडी कार्ड भी सबमिट करना होगा, तो हो सकता है दीपक पांचाल और उसकी वाइफ ने लोगों से आईडी कार्ड भी ले लिए और फोटो तो उनके पास ऑलरेडी आ चुकी थी। सो दोस्तों ये 3 तरीके हो सकते हैं इनकी मदद से उसने अकाउंट ओपन करवाया होगा। लेकिन एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, इंटरनेट के ऊपर इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड एग्जैक्ट कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ये मैंने खाली आपको प्रोबेबिलिटी यहां पे बताई है। और इस स्कैम की वजह से सेबी ने मजबूर होकर एक बड़ा फैसला लिया और वो फैसला ये था कि जब भी किसी को अपना डीमैट अकाउंट बनवाना होगा तो उन्हें KYC करने के लिए अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, साथ ही अपना एक लाइव पिक्चर भी देना होगा, तभी उनका डीमैट अकाउंट ओपन हो पाएगा और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और रही बात दीपक पांचाल और उसकी वाइफ की, तो उस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद में उनसे जुड़ी कोई भी अपडेट अब तक सुनने को नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर स्कैम पे नहीं पड़ती और सेबी इसकी टाइम रहते जांच पड़ताल नहीं करती तो ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता था। पर सेबी ने न सिर्फ इस स्कैम के लिए रूल बनाए बल्कि और भी ऐसे कई सारे रूल बनाए जिससे इस तरीके के स्कैम ना हो पाए और इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसके बाद भी क्या आपको ऐसा लगता है कि सेबी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई और रूल बनाने चाहिए जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शेयर मार्केट में ट्रेड करना और इन्वेस्ट करना और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए? अगर आपका जवाब है हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस स्कैम के बारे में पता चले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा ID है hi_rajnikantsharma। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।